मम्मी मैंने सोचा हल्का फुल्का खा के सो जाते हैं, तो देखिए हमारा साई मिर्ची वाला पनीर मंगवा लिया है, आ रही है पनीर अभी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज जाने वाले एक सरप्राइज जगह, तो हमारे ब्लॉग में पूरा बनाए रहना, आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छी जगह जहाँ एक हिट देते हैं इनके लिए, जहाँ विराट कोहली और अनुष्का गई थी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो आपको सरप्राइज कैसा लगा आप कमेंट में लिखना, तब तो हम पहुँचते हैं वहाँ, पहुँच के आपको मिलते हैं। टाटा बाय बाय। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं इस समय पुराने बस अड्डे रोडवेज पर, बरेली में आ चुके हैं हम। तो आपको हर जहाँ जहाँ पहुँचते आएंगे आपको वीडियो दिखाते जाएंगे, अभी सरप्राइज ही रहने दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम पुराने बस अड्डे बस आने ही वाले हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा मंदिर है वो दिखाते हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम, आकृति बैठी हुई है। जय बजरंगबली। अपन देखो आकृति बैठी हुई है, जाने को एक्साइटेड है। बस बस अड्डा सामने को है। जय बजरंगबली भगवान की जय। तो आकृति चलते हैं है? कुछ बस है, ब्रेड पकौड़ा खाने को तैयार हैं बरेली आकर बस अड्डे पे। तो यहाँ से बस मिलेगी हमारे लिए हल्द्वानी के लिए। तो आप ब्लॉग में बने रहना पूरे हैं। आकृति यहाँ धुलने जा रही है। फ्रेंड, आकृति ने ब्रेड पकौड़ा खाकर अब हम लोग बस में बैठ गए हैं, तो जा रहे हैं नैनीताल के लिए। आपके लिए यहीं तक सरप्राइज था, पर आगे और कुछ बड़ा होने वाला है, तो वीडियो बने रहना। अभी हमारी लगभग 3 से 4 घंटे की बस की दूरी है वहाँ से, नैनीताल जाना पड़ेगा। 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो ब्लॉग बने रहना, पूरा हम दिखाएंगे नैनीताल कैसे पहुँचते हैं, कितना खर्चा आता है, सब कुछ वीडियो में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड, ये है लालकुआ जिला, जनपद है नैनीताल। तो यहाँ से अभी नैनीताल काफ़ी दूर है, लगभग 40 किलोमीटर है। तो आप देखिए चौकी आपको कैसी लग रही है लाल पॉट की। चलो चलते हैं, और आपको देखो ना अच्छा सामने से व्यू आ रहा है, मस्त लोकेशन है, देखो ना बेहतरीन जंगल दिख रहा है। चलो चलते हैं नैनीताल, आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। सो सामने की ओर एक बोर्ड लगा होगा, इसमें लिखा होगा रुद्रपुर 2 किलोमीटर दिल्ली, यहाँ से लगभग 273 है। हम भी लगभग आ ही चुके हैं, थोड़ा देखो सामने तरफ पहाड़ दिखने लगे हैं होंगे हल्द्वानी और नैनीताल के करीब। सीन ले लो सब हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग हल्द्वानी आ चुके हैं, वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी में बैठे हुए हैं। आकृति हमारी देखो बैठ गई है, अब टैक्सी से हम लोग निकलने के सीधे नैनीताल ऊपर, वहीं पे देखते हैं क्या रुकने की व्यवस्था है, कैसा क्या है। सुबह आएंगे तो आपको सौरभ जोशी का पूरा घर दिखाएंगे वो लोग उसी में। सभी टैक्सी यहाँ लगी रहती हैं।
तो हमारे आगे भी हैं, इस साइड भी टैक्सी लगी हुई है, यहीं से आपको टैक्सी मिलेंगी। तो ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं नैनीताल पहुंचकर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बरली से हम निकले थे, पूरा सीन उसका नैनीताल तक पूरा सीन आपको देखने को मिलेगा। कुछ बाहर चल के आपको थोड़ा व्यू दिखाएंगे होटल का। ठंड बहुत ज्यादा, आप जैकेट वगैरह लेके आना, नहीं कि फंस गए तो बहुत दिक्कत होगी। और कल इसमें फॉल वगैरह यहाँ बहुत ज्यादा हुई थी। आकृति चलो जल्दी से। सो फ्रेंड हम वीडियो कहीं पेंडिंग करने वाले हैं, आकृति को बोला जा रहा है। अभी तो पानी बारिश हो रही, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सो फ्रेंड यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, अब देखो हम बाहर कैसे निकल पाते हैं, फिर भी ट्राई करेंगे हम। तो इस वीडियो को तो यहीं एंडिंग कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।